कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महामारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू में बदलाव किया है, जहां प्रतिदिन 2000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इन जिलों में अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान पूरी सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान उन्हें ही बाहर निकलने की अनुमति होगी, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें भी किसी को बिना मास्क और सैनिटाइजर के बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए गठित टीम 11 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश देते हुए कहा कि लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर सहित 2000 से अधिक एक्टिव केस वाले सभी 10 जनपदों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी किया जाए। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है। लोगों को मास्क और सैनिटाइजेशन के महत्व को समझाने और आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी लखनऊ में अन्य जनपदों के मरीजों का आना स्वाभाविक है, ऐसे में यहां अतिरिक्त व्यवस्था करने की आवश्यकता है। KGMU और बलरामपुर हॉस्पिटल को पूरी तरह से कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में तैयार करने को कहा गया है। हालांकि इस दौरान नॉन कोविड मरीजों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि लखनऊ में TS मिश्र हॉस्पिटल, इंटीग्रल और हिंदी मेडिकल कॉलेज को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में क्षमता विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। अगले 2 दिनों में यहां अतिरिक्त बेड्स उपलब्ध कराए जाएं। मुख्यमंत्री ने कोविड संक्रमण से बचाव को देखते हुए 12वीं तक के विद्यालयों में 15 मई तक पठन पाठन स्थगित रखने का भी निर्देश दिया है। इस अवधि में कोई परीक्षा भी आयोजित नहीं होगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 20 मई के बाद आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।